Good afternoon, everyone. Today's topic is protein. What is protein? पहले तो हम चर्चा करेंगे कि प्रोटीन किसके अंतर्गत आता है. जो प्रोटीन है वो आपके भोजन के आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है. पोषक तत्व क्या होते हैं? भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अर्थात पोषक तत्व. वे पोषक तत्व जो हमारे शरीर की ऊर्जा, कार्य क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर के निर्माण का कार्य भी करते हैं. जो नए नए ऊतकों का निर्माण करते हैं, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनका भी वो मरम्मत करते हैं. तो ये हैं पोषक तत्व. जो हमारे शरीर में पोषक तत्व हैं वे पोषक तत्व हैं 6 प्रकार के. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल. ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं. इन्हीं के द्वारा जो ये कार्य करते हैं वो हमारे शरीर को एक ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का निर्माणक कार्य करते हैं या वृद्धिकारक कार्य करते हैं, और हमारे शरीर के लिए सुरक्षात्मक कार्य करते हैं. लेकिन जो ये पोषक तत्व हैं इनका अपना अपना कार्य, जैसे प्रोटीन और खनिज लवण हैं वह वृद्धिकारक कार्य करते हैं, कार्बोज एवं वसा हमें ऊर्जा का कार्य करती हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करती है वो, और विटामिन्स और खनिज लवण हमें सुरक्षात्मक कार्य प्रदान करते हैं जो हमारी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाते हैं और हम अधिक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं. तो ये थे न्यूट्रिशन इन फूड. तो जो पहला आपका पोषक तत्व है प्रोटीन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि प्रोटीन क्या है. प्रोटीन जो शब्द है ये प्रोटीएस से पड़ा था, जिसका अर्थ होता है, ग्रीक भाषा का एक शब्द था प्रोटीएस, जिसका अर्थ होता है प्रथम स्थान रखने वाला, अर्थात पहला स्थान रखने वाला. तो जो प्रोटीन है इसमें कौन कौन से तत्व हैं? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस नाम के तत्व होते हैं इसमें. और प्रोटीन आपको वनस्पति जगत से भी प्राप्त होता है और प्राणी जगत से भी. वनस्पति जगत से कैसे? हमें दालें प्राप्त होती हैं, अनाज प्राप्त होता है, तो ये वनस्पति जगत. प्राणी जगत दूध पीते हैं ना हम सभी लोग, दूध में प्रोटीन होता है. और नॉन वेजिटेरियन अगर आप लोग हैं तो उसमें भी हमें प्रोटीन, अंडे में प्रोटीन, मछली, तो इन सब में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है. जो आपका प्रोटीन है इसका निर्माण एमिनो अम्ल नामक पदार्थ से होता है. जो एमिनो अम्ल है ये 22 प्रकार के हैं. इसमें से जो 10 एमिनो अम्ल आपके हैं वो अनिवार्य एमिनो अम्ल, इसेंशियल एमिनो अम्ल कहलाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. और जो शेष 12 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं उनका निर्माण शरीर के भीतर स्वयं ही हो जाता है, और जो 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है. तो 2 प्रकार के एमिनो अम्ल का हमारा शरीर में उपयोग होता है, एक आवश्यक एमिनो अम्ल और दूसरे अनावश्यक एमिनो अम्ल. आवश्यक होते तो दोनों ही आवश्यक है, लेकिन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल इनको 2 भागों में बांटा गया है. प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशी की ऊतकों में पाई जाती है अधिकांशतः, और रक्त में पाई जाती है, अस्थियां, दांत, त्वचा, बाल, नाखून सभी में ये पाया जाता है. कोमल ऊतकों में ये पाई जाती है, और शरीर में के हिस्से में जब कोशिकाओं में टूट फूट हो जाती है तो भी प्रोटीन के द्वारा ही इनका निर्माण होता है. सभी प्रकार के एंजाइम्स और हार्मोन्स पे भी प्रोटीन पाई जाती है. कोशिकाओं के केंद्रक में भी प्रोटीन पाई जाती है, और जो वो प्रोटीन पाई जाती है उसे न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में वो पाया जाता है. प्रोटीन में जो आपके
एसेंशियल एमिनो एसिड या एसेंशियल एमिनो या आवश्यक एमिनो अम्ल है वो 10 प्रकार के कौन कौन से एमिनो अम्ल है, एमिनो एसिड पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, मिथियोनाइनिन, फिनिलेनाइनिन, आर्जिनिन और हिस्टोडिन, ये आपके अमीनो एसिड हैं। अमीनो एसिड संतान उत्पत्ति के लिए भी आवश्यक होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अभी हमें सही तरीके से पता नहीं कि कितनी मात्रा इसकी आवश्यक होती है, लेकिन जो ऑरिजिनिन और हिस्टोडिन है ये अमीनो एसिड संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा आपके जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो शरीर में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं वो है आपका एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, सेरिन, टायरोसिन, फ्लोरीन, ग्लूटामीन और एस्परागीन। तो ये जो आपके 10 अमीनो जो अनावश्यक अमीनो एसिड हैं ये शरीर में स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन में पाए जाने वाले जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटीन अपने गुणों और उपयोगिता में भी भिन्न होती है, और प्रोटीन तत्वों की जो उपयोगिता होती है उनमें उपस्थित जो अमीनो एसिड होते हैं उनके वो गुणों पर निर्भर करती है। जो अमीनो अम्ल होती है वो हमारे शरीर में क्या करती है, वृद्धि और जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आवश्यक होती हैं। जो ये अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड हैं ये अलग अलग तत्वों में पाई जाती है और ये हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित हो जाती है। आप प्रोटीन का वर्गीकरण, कितने प्रकार के प्रोटीन हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है, प्रोटीन साधन के आधार पर जो हमें साधन के द्वारा प्राप्त होती है वो दो प्रकार से, एक पशु प्रोटीन है एक वानस्पतिक प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल। जो हमें जानवरों से प्राप्त होती है वो पशु प्रोटीन, जानवर प्रोटीन हो गई, और जो हमें वनस्पति से प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, वो आपकी वनस्पति प्रोटीन। गुण के आधार पर जो प्रोटीन है वो तीन भागों में बांटी गई है, पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन, आंशिक अपूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन, वो तीन प्रकार की होती हैं। जो पूर्ण प्रोटीन होती है वो कंप्लीट प्रोटीन के नाम से जानी जाती है, उसे उत्तम प्रोटीन कहा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रोटीन प्राणी को जीवित बनाए रखने के लिए होते हैं, और उनका प्रयोग करने पर छोटे बच्चों का विकास एवं उत्तम वृद्धि होती है। इस वर्ग में जो प्रोटीन है दूध में जैसे लैक्टो एल्ब्यूमिन पाया जाता है, अंडे की जर्दी में ओवल्ब्यून पाया जाता है, मांस में जो है आपका ट्रिप्टोफेन और ल्यूसिन पाया जाता है, सोयाबीन दालों में, सोयाबीन दाल होती है एक प्रकार की जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, उसमें ग्लाइसिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है। और जो मेवे होते हैं आपके सूखे मेवे जैसे काजू बादाम वगैरह, इसमें आपका एक्सेलेसिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, और मक्के में ग्लूटेनिन। मैं इसको जो आपका प्रोटीन है कि किस कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इसको मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पूरा डिटेलिंग आपको लिख के दे दूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एग्जाम में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। और थर्ड है आपका रासायनिक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है उसमें भी उसको तीन रूपों में बांटा है, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये प्रोटीन का वर्गीकरण का चार्ट भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, उसमें से आप लोग उसको देख लीजिएगा, पूरा एक चार्ट बना के भेजा है मैंने। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं। तो प्रोटीन का पहला कार्य शरीर निर्माणक कार्य, प्रोटीन शरीर निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी है।
उपयोगी पोषक तत्व है ये। शरीर में जल की उपस्थिति की मात्रा के पश्चात प्रोटीन का स्थान है और शरीर का निर्माण नन्ही नन्ही कोशिकाओं से होता है और जो ये कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण कौन करता है? इनका निर्माण प्रोटीन करता है। और शरीर के कई अंग जैसे बाल है, नाखून है, त्वचा है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मांसपेशियां हैं, इन सब का निर्माण भी प्रोटीन ही करता है। सेकंड है आपका शरीर के टूट फूट के पुनर्निर्माण हेतु का कार्य, अर्थात जब शरीर में या कोशिकाओं में टूट फूट किसी दुर्घटना के कारण चोट लगने से या जल जाने से या ऑपरेशन के दौरान होती है तो उसमें भी प्रोटीन ही जल्दी से उसे ठीक कर देता है। जब हमें चोट लगती है या हड्डियां फ्रैक्चर होती हैं या कोई टूट फूट होती है कोशिकाओं में, हम गिर जाते हैं तो डॉक्टर भी कभी कभी आप देखोगे डॉक्टर भी आपको बोलता है कि प्रोटीन खाइए आप। तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं उन्हें जल्दी से ठीक करता है, उनका निर्माण करता है, वो नए ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। और फोर्थ पॉइंट है चोट लगने पर होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने में भी सहायक होता है। जो रक्त प्रवाह को रोकती है, रक्त में क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं। मैंने आपको लिखा भी है इसमें, इसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। क्या होता है, जब चोट लगती है ना उस समय जब हमारा ब्लड निकलता है फटाफट निकलता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, शीघ्रता से निकलकर एक धागों का एक गुच्छा सा बन जाता है ना, जिससे रक्त रिसकर रक्तस्राव नहीं हो पाता और वहीं पर एक जाल सा बन जाता है, फिर वो जम जाता है, टाइट हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन जो आपका प्रोटीन है उसके द्वारा ये होता है। जो ये तो इसका मतलब क्या है, प्रोटीन जो है वो रक्त के प्रवाह को रोकने में सहायक होता है, मदद करता है। अगर ये प्रोटीन बॉडी में नहीं होगी या रक्त में नहीं होगी तो क्या है, ब्लड निकलते रहेगा, निकलते ही रहेगा, जमेगा नहीं, उसका वो रुक नहीं पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है आपका शरीर की क्रियाओं को नियमित रूप से चलाने में सहायक। जो हमारे शरीर की क्रियाएं होती हैं उनके नियमन में भी, उनके रेगुलेशन में भी सुचारू रूप से कार्य करें, उसके लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमारी जो चयापचय की क्रियाएं होती हैं, जो एंजाइम्स होते हैं जो पाचन और चयापचय की क्रियाओं में सहायक होते हैं एंजाइम्स, वो सारे क्या होते हैं, प्रोटीन जन्य होते हैं। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित रखने के लिए जो विभिन्न हार्मोन भी किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो वो सारे जो हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स का निर्माण होता है, वो प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। और रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो दो चीजों से बना है, एक तो लोहा, हीम माने लोहा, और तत्व के ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है तो इससे ये संयुक्त रूप से बनना है। तो ये रक्त में जो क्या है, हीमोग्लोबिन, हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है आपके बॉडी में, तो वही चीज। और जो आंखें होती हैं आपकी, नेत्र में पाया जाने वाला पदार्थ होता है रेडोप्सिन, जो दृष्टि प्रदान करने में सहायक होता है, वो भी प्रोटीन के द्वारा ही निर्माण होता है। तो आप देखो प्रोटीन कितना जरूरी है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी, अभी आपको मैं आगे भी बताऊंगी कि प्रोटीन की कमी से रोग हो जाते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है भोज्य पदार्थ पोषक तत्वों की कमी भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है और पोषक तत्वों की अधिकता भी, इसलिए उसका बैलेंस जो ICMR के द्वारा एक चार्ट बनाया गया कि इतना प्रोटीन और कैल्शियम विटामिन खनिज और हमें लेने हैं तो उतने हमें लेने होते हैं, उससे ज़्यादा अगर हम लेंगे अपनी बॉडी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी हमें कितना हमें खाना चाहिए, कितना हमें ये सारे पोषक तत्व लेने चाहिए, अगर हम उससे अधिक मात्रा में लेंगे तो हमें रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है प्रोटीन।
रोगों से बचाव हेतु प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण करता है, एंटीबॉडीज। अगर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज नहीं होंगे तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। हल्की सी भी सर्दी जुकाम होने पर हमें बहुत भयंकर तबीयत हमारी खराब हो जाएगी। तो क्या करता है वो, हमारी प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण भी प्रोटीन करता है। अब है प्रोटीन प्राप्ति के साधन। प्रोटीन हमें किन किन पदार्थ से प्राप्त होती है, तो दो साधन है इसके, एक है प्राणिक साधन और दूसरा है आपका वनस्पतिक साधन। प्राणिक साधन जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, और वनस्पति साधन जो हम पेड़ पौधे उनके जड़ आदि से प्राप्त करते हैं, फलों से प्राप्त करते हैं। तो प्राणी साधन मांस, मछली, अंडा, कलेजी, मुर्गी, दूध, दूध से बने पदार्थ, दही, छेना, ये सारे आपके प्राणी साधन हैं। वनस्पति साधन आपके सभी प्रकार की अनाज, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, मेवे जितने भी होते हैं उन सब में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और सबसे अधिक जो आपकी प्रोटीन है मछली, अंडे में अधिक पाई जाती है। इसके अलावा दूध में भी प्रोटीन पाई जाती है, और दालों में सबसे अधिक सोयाबीन एक दाल है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की जो कमी है उससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, उससे एक वेरास्मस नामक एक रोग हो जाता है, जो 6 महीने के पश्चात बच्चे के पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता जब उसमें अधिक होती है उन्हें, लेकिन नहीं मिल पाता उन्हें, तो ये मेरास्मस नामक रोग हो जाता है उन्हें। और क्वासियरकर नामक एक रोग हो जाता है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। यह रोग 1 से 3 साल तक के बच्चों में अधिक होता है। इस रोग में क्या हो जाता है कि उनकी वृद्धि रुक जाती है, त्वचा में चकत्ते पड़ जाते हैं, पाचन तंत्र कम खत्म हो जाता है, डायरिया हो जाता है उन्हें, मांसपेशियों में वृद्धि रुक जाती है, म्यूकस झिल्ली होंठ फट जाते हैं, सूखे से रहते हैं हमेशा, रक्त अल्पता हो जाती है उन्हें। रक्त अल्पता का मतलब होता है एनीमिया हो जाना। बालों पर प्रभाव पड़ता है, बाल कड़े पत्ते हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं वो मेरास्मस और क्वासियरकर होते हैं। ये मैं आगे आपको डिटेल में भी भेजूंगी, बाद में बताऊंगी इसके बारे में। और प्रोटीनहीनता मतलब होता है प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से पेलग्रा नामक रोग हो जाता है, यकृत संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये है प्रोटीन की कमी और अधिकता से होने वाले रोग। तो ये आपका हो गया प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।